ईश्वर के द्वारा दी गई सबसे खूबसूरत संरचना और सबसे खूबसूरत चीज जो किसी जीव को मिली है उसको कहते हैं आंखें। आंखों के बगैर अगर हम जिंदगी के बारे में सोचें तो सोचने से भी हमें डर लगता है, लेकिन क्या इस बेशकीमती जो हमारी आंखें हैं जो हमें सब कुछ दिखाती हैं उसका हम सही तरीके से देखभाल कर पाते हैं, ख्याल रख पाते हैं? तो हम सबका जवाब होगा नहीं। तो चलिए आज इसी आंखों की देखभाल के बारे में, इसके प्रोटेक्शन के बारे में और कैसे हम इसको अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसको पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। आज के भागती दौड़ती जिंदगी में देखेंगे कि कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, टैब हो, टीवी हो या मोबाइल फोन हो, इसके बगैर जिंदगी नहीं रह गई है। बच्चे से लेकर बड़े, बूढ़े, जवान, लेडी, वुमेन, गर्ल सब लोग डिपेंडेंट हो गए हैं। लेडी हैं तो उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बच्चों के क्लासेस चल रहे हैं तो उनको भी मोबाइल फोन जरूर चाहिए, जिसकी वजह से हमारे आंखों में डे बाय डे धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स बहुत सारी बढ़ती जा रही हैं। इंडिया में मैं बात करूं तो आज के डेट में 40-50% लोग ऐसे हैं जिनके आंखों पे चश्मा है और 30% लोग तकरीबन ऐसे हैं जो कागार पे हैं जिनके आंखों पे चश्मा आने वाली है। छोटे छोटे बच्चों के आंखों पे चश्मे आ गए हैं और बहुत ही एक्सक्यूज छोटा सा होता है कि अगर ये दूध नहीं पीता, अरे ये खाना ठीक से नहीं खाता, पत्तेदार सब्जियां नहीं खाता। लेकिन क्या सिर्फ यही एक कारण है? बिल्कुल भी नहीं, इसके पीछे बहुत सारे और भी कारण होते हैं जिस वजह से हमारे आंखों के अंदर ड्राइनेस आ जाती है, चुभन आ जाती है, लाली आ जाती है, खुजली होती है, नजदीक का चश्मा चढ़ जाता है, दूर का चश्मा चढ़ जाता है, आंखें कई बार भेंगी हो जाती है, ये सारी जो या स्वेलिंग हो जाती है, डार्क सर्कल अंडर आई में आ जाते हैं, विजन की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लरी विजन हो जाता है, इतनी सारी एक छोटा सा जो हमारा ये अंग है इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। जेनेटिक कारण हो सकता है, हाई स्ट्रेस रीजन हो सकता है। हाई स्ट्रेस में क्या होता है, जो हमारे इमेज बनाने वाली लेंस होती है उसको जो मसल सपोर्ट करती है वो मसल्स वीक हो जाती है, जिसके वजह से इमेज प्रॉपर नहीं बन पाता और आपको ब्लरी विजन दिखता है। कि एज अगर आपकी 50 से एवव हो गई है तब मैक्युलर डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, जो इमेज बनती है, जो हमारा रेटिना का सेंटर होता है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाती है, उसके ऊपर जो डायरेक्ट लाइट पड़ती है जिसकी वजह से इमेज क्रिएट होती है उसको बनने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से ये डिजनरेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। कोई अगर आपको लाइफस्टाइल ऐसी डिजीज है जैसे कि बीपी हो गया, डायबिटीज, शुगर की प्रॉब्लम है, तो जो शुगर का लेवल जब आपके बॉडी में इंक्रीज होता है तो वो आपके रेटिना पे जाकर डायरेक्ट इफेक्ट करता है, जिसके वजह से कैटरेक्ट की प्रॉब्लम कई बार क्रिएट हो जाती है। आई डिजीज हो गया, ग्लूकोमा की प्रॉब्लम हो गई, पहले से कैटरेक्ट की प्रॉब्लम थी, किसी तरह का हाई डोजेज ऑफ मेडिकेशन लिया जिसका कि साइड इफेक्ट के रूप में भी ये प्रॉब्लम देखने को आती है। उसके बाद एक जो मोस्ट कॉमन और सबसे आसान चीज है जिसके वजह से बच्चों में स्पेशली ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो माल न्यूट्रिशन होता है। माल न्यूट्रिशन में कुछ ऐसे न्यूट्रिशियस चीज, कुछ ऐसे विटामिंस और मिनरल्स जिसके कि खाने में रेगुलर बेसिस पे कमी होने लगती है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि विटामिन ए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे रेटिना पे के ऊपर जो सही इमेज बन के हमारे आंखों में आती है वो इमेज लाने का काम जो है वो विटामिन ए का होता है। विटामिन सी और विटामिन ई का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे आंखों के अंदर जो लुब्रिकेशन खत्म हो जाते हैं जिसके वजह से स्पेशली थोड़े से जो एज कर जाते हैं लोग उनके आंखों में बहुत ज्यादा सीवियर ड्राइनेस की प्रॉब्लम रहती है, आंखें उनकी छोटी हो जाती है, आंखों के अंदर लगता है कुछ 24 घंटे चुभ रहे हैं, तो टाइप ऑफ फैट्स जो है वो उनके बॉडी में कम हो गई, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम और बीमारियां हैं कि वो सबसे पहले अपनी जिंदगी से फैट को, ऑयल को, घी को माइनस करते जा रहे हैं, की वजह से कि लुब्रिकेशन खत्म होती जा रही है और ये ड्राइनेस क्रिएट हो जाती है, उसके बाद खुजली होने लगती है, आंखें लाल रहती है ऐसे लोगों की, कई लोगों की आंखें स्वेल हो जाती है। यहाँ पे जरूर मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगी कि जब बच्चों को आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, चाहे उनके दूर की नजर या पास की नजर, या तो बीइंग ए पेरेंट्स, क्योंकि मैं एक मदर हूं और मेरी डॉटर को सेम प्रॉब्लम थी और मैंने इसको झेला है, मुझे मालूम है कि शुरू में मुझे पता ही नहीं चल रहा था उसको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो रही है। इसको स्कूल में टीचर जो कलर्स बताती थी उसको कलर्स समझ में नहीं आते थे, बोर्ड पे जो टीचर लिखती थी वो उसको समझ में सही तरीके से नहीं आता था, वो गलत लिखकर आ जाती थी। बच्चा बार बार आंखों को इस तरह से रिगड़ता है या आपका बच्चा बार बार इस तरह से पलकें झुकाता है तो आप समझ जाइए कि आपके बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं आई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि डिस्टेंस की प्रॉब्लम हो रही है या पास की प्रॉब्लम हो रही है या उनका सही विजन या ब्लरी विजन हो रहा है। तो ऐसे लोगों को बहुत जरूरी है कि सप्लीमेंटेशन सही डायरेक्शन में अपने बॉडी में डालने की जरूरत है, कुछ ना कुछ योगासन करने की जरूरत है, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट को करने की जरूरत है। आंखों के आसपास जो है बहुत ज्यादा मसल्स नहीं होते, इस वजह से यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम होती है। पूरा दिन हमारा आंख जो है वो काम कर रहा होता है, लोग पलके बहुत कम झपकाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि हर 10 मिनट 15 मिनट के बाद आप 3-4-5-6 बार इस तरह से आंखों के पलकों को ऊपर नीचे करें, जिससे कि लुब्रिकेशन जो है वो प्रॉपर बना हुआ रहेगा। योगा जो है वो आपके ऑप्टिक नर्व को जो है इंप्रूव करने का काम करेगा, मसल्स को इंप्रूव करेगा, जो लुब्रिकेशन है लुब्रिकेशन को बनाना शुरू कर देगा। और ये कुछ एक्सरसाइज है जिसमें कि सर्वांगासन हो गया, पद्मासन हो गया, हलासन हो गया, शीर्षासन हो गया,
ये सारे और शीर्षासन हो गए, ये सारे ऐसे योगा पोजेज हैं जिसको आप रेगुलर बेसिस पे धीरे धीरे अगर अपने रोज के डेली लाइफ में इंक्लूड कर लेंगे तो किसी भी तरह की अगर आपको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो नहीं, और आंखों की रोशनी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट की बात करूं तो कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको की रेगुलर बेसिस पे अगर आप सही तरीके से फॉलो करें तो बहुत ज्यादा आपको फर्क आएगा। यहाँ पे दो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनको कि रोज अगर 15-20 बार सुबह और 15-20 बार शाम को दबाया जाए, जिसको कि UB2 के नाम से जानते हैं। 23 को भी अगर आप रेगुलर बेसिस पे पुश करेंगे तो आपके जो सिक्रेशन ऑफ ऑयल है वो अच्छा स्टार्ट हो जाता है, ल्यूब्रिकेशन उसके वजह से इम्प्रूव हो जाती है। ये GB14 होती है, इस GB14 को भी अगर सही तरीके से पुश किया जाए तो इससे आपके पूरे जो है आंखों में जो है ल्यूब्रिकेशन और मसल्स में स्ट्रेंथ आनी स्टार्ट हो जाती है। तो आज मैं बड़े ही छोटे छोटे दो आपको अमेजिंग उपाय बताने वाली हूं। इस उपाय को जब आप करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपको इसका कितना अमेजिंग 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 रिजल्ट आया है। तो चलिए फटाफट पहले इसको बना लेते हैं और फिर आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो भी बता देते हैं। तो आपको सबसे पहला जो उपाय करना है उसमें ग्लास आपको नॉर्मल पानी लेना है। इस पानी को किसी भी बर्तन में गैस पे चढ़ा दीजिए और उसके अंदर में एक चम्मच ये त्रिफला पाउडर डाल के इसको बॉईल करना है। 5 मिनट के लिए आपने बॉईल करना है। 5 मिनट के बाद गैस को बंद कर देना है। देखिए ऑलरेडी ये पानी मैंने बॉईल कर लिया है तो इसको बहुत ही किसी साफ मुलायम कपड़े से 2-3 बार पहले छान लेना है। त्रिफला का एक कण भी इसके अंदर में नहीं होना चाहिए। पानी का उपाय हमें सुबह को करना है और ये एक काऊ का देसी घी लेना है। इतना सा आपने रात को सोने से पहले इसको अच्छे तरीके से 2 उंगलियों से 100 बार कम से कम यहाँ घुमाना है। आंखों के आसपास इसको इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर से नहीं, इनर कॉर्नर से आपने दोनों उंगलियों से इसको मसाज करनी है। ऐसे इसको अप ले जाना है, फिर इनर कॉर्नर से ऐसे इसको डाउन लाना है, इधर से इसको अप लेना है, इधर से इसको डाउन लाना है, इधर से इसको अप लेना है, इधर से इसको डाउन लाना है, और इस तरह से आपने 2 मिनट की कम से कम ये आंखों की अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मसाज करनी है। जब आप ये मसाज करेंगे उसके बाद आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन महसूस होगा और फिर आप रात को सो जाएंगे, रात को कुछ नहीं करना। सुबह को जब आप उठेंगे, जो ये हमारा पानी है, मुंह नहीं धोना, कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपने मुंह के अंदर पानी फील करना है। जब आप आंखें डिप करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे, इस पानी के अंदर में 10 से 12 बार करना है। हल्का सा ही आपके आंखों में लगेगा भी, लेकिन उसके बाद आपने साफ पानी से फेस को और आंखों को धो लेना है। बस यही उपाय है और इस उपाय से आपको 1 महीने में ड्रास्टिक चेंजेस दिखने स्टार्ट हो। तो दूसरे उपाय के लिए हमें क्या करना है कि बराबर बराबर अमाउंट में हमें लेना है सबसे पहले नीम का पाउडर। तो ये 1 चम्मच डाला मैंने नीम का पाउडर इसके अंदर। फिर डालना है हमें मंजिष्ठा का पाउडर। तीनों चीजें बराबर डालनी है और 1 चम्मच डाला ये हल्दी। इन तीनों को मिला लेना है, किसी डब्बे में भर के रख लेना है और हर रोज इसका 1/4 चम्मच 2 बार दिन में ये गुनगुना पानी लेना है और ये 1/4 चम्मच खा लेना है और ये गुनगुना पानी पी लेना है। अभी आपने सारा उपाय, ये सारे अमेजिंग उपाय अगर आप करेंगे तो 30 दिनों में ही आपको फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ इसके साथ शर्त यह है कि आपको रोज करना है, आंखों को त्रिफला के पानी में भी रोज डालना है, सोने से पहले रोज मसाज भी रोज आपको करनी है और ये जो दूसरा उपाय मैंने बताया वो भी करना है। जो बच्चे ऐसे हैं कि वो आंखों को जो है वो त्रिफला के पानी में अगर नहीं डाल सकते हैं तो फिर आप उनको त्रिफला चूर्ण और काऊ के घी को मिक्स करके और फिर जीभ पे चटाइए और थोड़ा सा उसके ऊपर गुनगुना पानी पिला दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहां भी मैं बहुत अच्छे और बहुत अच्छे टिप्स के वीडियोस डालती हूँ। नेक्स्ट वीक एक और अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैंटास्टिक वीडियो के साथ मैं आने वाली हूँ। तब तक फिट रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच हमेशा मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए।